मैंने गूगल किया और ये दिखा कि सुयश राय ने करण जौहर को लूजर कहा है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई तुम्हें बिग बॉस ओटीटी पे होस्ट करना नहीं आता, तुम्हें फिल्म में ही बनानी चाहिए। हुआ क्या? आपने तो पूरा एपिसोड देखा होगा ना, इंसिडेंट क्या हुआ? सर में दर्द हो गया। 3 घंटे से ज्यादा का एपिसोड, मतलब हद कर दी भाई। ओटीटी पे है तो मतलब चलाए जाओगे क्या? करण जौहर आए अपने हाथ में एक नेम प्लेट लेके। उस नेम प्लेट पे पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन? करण जौहर नॉमिनेटेड। अब करण जौहर तो होस्ट है, खुद ही तख्ती लेके आ गए, क्योंकि दिव्या अग्रवाल ने करण जौहर से एपिसोड में कह दिया था कि करण जौहर को भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। और करण जौहर बुरी तरह से चिढ़े हुए थे। करण जौहर ने साफ धमकी दे दी, मैं होस्ट हूँ, मुझे तुम नॉमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एलिमिनेट कर सकता हूँ। मतलब खुल्लम खुल्ला धमकी। मतलब दिव्या अग्रवाल जैसे लोग भी करण जौहर की होस्टिंग पे और सारी जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद ही नॉमिनेट हो जाओ। बिल्कुल। और भैया, अगर करण जौहर को आकर सबको ये बताना पड़ रहा है कि मैं होस्ट हूँ, तो आप समझ ही सकती हैं कि वो किस तरह के होस्ट होंगे। अब ये सवाल भी पूछ लीजिए कि सलमान होते तो क्या करते, और क्या करण सलमान का मुकाबला कर पाए? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली पता ही है कि सलमान वर्सेस करण जौहर हो ही नहीं सकता, ये कंपैरिजन ही गलत है। आपको क्या लगता है? भैया मुझे तो ये लगता है, करण जौहर जिस तरीके से अपने कोर्ट की जो बाजुएं हैं उनको ऊपर उठा रहे थे और वो उठ ही नहीं रही थी, मतलब जबरदस्ती में सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सलमान खान कई बार अपना कोट उतार देते हैं, कई बार अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं, उन पर बहुत सूट करता है। करण जौहर एक सोफे के पीछे खड़े रहे। अगर सलमान खान होते तो कभी उस सोफे पे बैठ जाते, कभी उस सोफे की साइड पे बैठ जाते, मतलब वो तो जमीन पे भी बैठ जाते थे। अब भाई ये भी सुन लीजिए कि एपिसोड में हुआ क्या। देखिए, करण जौहर ने पूरी तरह से शमिता शेट्टी का पक्ष लिया। शमिता शेट्टी और निशांत में लड़ाई हुई थी और करण जौहर ने खुद बोला शमिता शेट्टी को कि भाई निशांत ने तो तुम्हें ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, फिर तुम काहे भड़क गई, क्या ये कोई बैगेज था? तो शमिता शेट्टी ने भी मान लिया कि हाँ जी, मैं किसी पुरानी बातों पे नाराज थी। तब भी करण जौहर शमिता शेट्टी और राकेश बापट को ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे भैया रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हो। अब अक्षरा सिंह की भी लड़ाई हुई थी, तो ये जानना नहीं चाहेंगे कि अक्षरा सिंह से क्या कहा? बिल्कुल जानना चाहूंगी। अक्षरा से उन्होंने बात ही नहीं की। क्या 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 क्या, मतलब यही रिएक्शन था मेरा भी। करण जौहर ने अक्षरा सिंह से कहा कि आप जो भी जस्टिफिकेशन दे दीजिए, मुझे सुनना ही नहीं है। आपको पता है अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए थे जब करण बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तो कम से कम करण को उनसे पूछ तो लेना चाहिए था कि आपको हुआ क्या है, लेकिन उन्होंने अक्षरा से बात तक नहीं की। और इस बार एलिमिनेशन पता है किसका हुआ? किसका हुआ? वैसे आपको क्या लगता है किसका होना चाहिए था? अक्षरा। अरे अक्षरा तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसका मतलब आप भी बिग बॉस ओटीटी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हैं, मेरा ही रिव्यू देख रही हैं। इस बार दो दो एलिमिनेशन हुए, एक करण नाथ का, दूसरा रिद्धिमा पंडित का। करण नाथ तो देखिए वैसे भी बेचारे हर एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस में आते थे, एक दो बार आके अपनी आंखें दिखाते थे, जरा सा चीखते थे और फिर वापस चले जाते थे, तो करण नाथ तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, लेकिन उनका नुकसान हो गया रिद्धिमा पंडित को। अच्छा, मेरा एक सवाल है इस बीच में कि शमिता शेट्टी का इतना साइड जो करण जौहर ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि शमिता ही विनर होंगी, और जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो दिख रही है वो अक्षरा दिख रही है? भाई सोशल मीडिया पे तो लोग यही कह रहे हैं कि करण जौहर शमिता शेट्टी को ये जो बिग बॉस ओटीटी है जिता देंगे। आपको पता है हिना खान भी आई थी, राखी सावंत भी आई थी, और राखी सावंत और करण जौहर की जो बातचीत थी वो इतनी वाहियात थी कि लगा भैया जल्दी खत्म करो ना, मतलब करण जौहर को राखी सावंत से फ्लर्ट करने की क्या जरूरत है। हिना खान प्रतीक से कुछ बातचीत कर रही थी, तो प्रतीक ने यह भी खुलासा कर दिया कि शमिता शेट्टी को सबसे ज्यादा फीस दी गई है। तो हो सकता है क्या ऐसा ही है कि शमिता शेट्टी को शिल्पा शेट्टी की बहन होने का फायदा मिला है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें राज कुंद्रा की साली होने का फायदा ज्यादा मिला है। राज कुंद्रा अगर जेल ना जाते तो शमिता शेट्टी को बिग बॉस ना बुलाते और करण जौहर पर बायस होने के इल्जाम भी ना लगते। तो इल्जाम सही है, इसी वजह से ओटीटी बिग बॉस थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है। देखिए मुझे लगता है कंटेस्टेंट्स इस बार के फिर भी ठीक ठाक हैं, अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, लेकिन
करण जौहर जो हैं वो चीजों को वैसा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जैसा उन्हें हैंडल करना चाहिए। जबरदस्ती का चीखना, किसी की बात ना सुनना, एक ही तरफ झुक जाना, तो मुझे लगता है करण जौहर को कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। और बार बार वो चीख चीख कर ये बता भी रहे थे कि मैं बायस नहीं हूँ। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई बायस नहीं होगा तो क्या उसे ये बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब टीवी पर सलमान खान अपनी जजमेंट देते हैं तो उससे व्यूअर अग्री कर जाता है क्योंकि वो नॉन बायस्ड होती है। लेकिन अगर करण जौहर खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो बायस नहीं है, उसके बावजूद आप जो रेगुलर व्यूअर हैं ये कह रहे हैं कि वो बायस है, तो भैया दाल काली है। दाल तो काली है, और अगर कहीं शमिता शेट्टी जीत गई तो मतलब मुझे लगता है करण जौहर की ये जो होस्टिंग वाली दाल है ये पूरी की पूरी जल जाने वाली है। बाकी जो कुछ अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। जानना चाहेंगी ना? बिल्कुल, क्योंकि जितना आप बता रहे हैं उस हिसाब से मैं OTT बिग बॉस नहीं देखने वाली हूँ। हाँ, सलमान खान आ जाएंगे तो I'll be regular one। तो भाई अगर आप भी नहीं देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपको सारे अपडेट्स यहाँ ABP न्यूज पर मिलते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।